हेलो फ्रेंड्स, वापस से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रांसफर पे। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि एग्जैक्टली फ़ोटोशॉप के लेआउट्स क्या होते हैं और हर फोटोशॉप में कौन कौन से चीज़ों को क्या क्या प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस टाइप ऑफ कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, शॉर्ट या कह लीजिए शॉर्टकट की क्या क्या है, एज वेल एज़ मैं आपको यहाँ पे टूल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। उसके साथ ही आपको शॉर्टकट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अभी डायरेक्ट हम टूल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो टूल्स, इसे हम टूल्स कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट टूल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहते हैं मूव टूल। मूव टूल का शॉर्टकट है वी, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा टूल रेक्टेंगुलर मार्कस टूल, और इसका शॉर्टकट है एम। और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं इसे थोड़ी देर के बाद ही समझाने वाला हूँ। तो अब इसके साथ ही आपको और चार टूल्स दिए गए हैं और इसके बारे में भी आपको थोड़े टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा। जो सेकेंड टूल है वो एलिप्टिकल मार्कस टूल है, और थर्ड टूल है सिंगल रो मार्कस टूल, बाद में सिंगल कॉलम मार्कस टूल। तो अभी हम देखते हैं कि थर्ड टूल कौन सा है। तो इसे हम कहते हैं लैसो टूल, और इसका शॉर्टकट है एल। इसमें तीन टाइप के लैसो टूल्स होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल लैसो टूल, सेकेंड है पॉलीगोनल लैसो टूल, एंड थर्ड है मैग्नेटिक लैसो टूल। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा फोर्थ टूल है इसे हम कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। एक्चुअली मैं फोटोशॉप 2020 यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे और एक नया टूल दिखाई दे रहा है। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल दिखाई दे रहा होगा। तो जो 2020 में उन्होंने क्या चेंजेस किए कि उन्होंने और एक ऑप्शन दिया गया है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊँगा। और ये एक आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को, ना कि क्विक सिलेक्ट टूल को। तो जो फिफ्थ ऑप्शन है यह है क्रॉप टूल, जिसका शॉर्टकट है सी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सिलेक्ट टूल। तो जो सिक्स्थ है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल, मतलब क्रॉप टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट क्रॉप टूल। जो सेवेंथ है इसे हम कहते हैं आई ड्रॉप टूल, या फिर कलर सिलेक्शन टूल, जिसमें जिसका शॉर्टकट है आई। बाद में जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं स्पॉट हीलिंग टूल, या फिर हीलिंग टूल, जिसका शॉर्टकट है जे। तो इसे आप लिख लीजिए, या नहीं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इजीली आप थोड़े टाइम के बाद ये शॉर्टकट सीख जाओगे। उसके बाद का जो टूल है वो है ब्रश टूल, नॉर्मल ब्रश ब्रश टूल, जिसे हम ब्रश कहते हैं, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाद में पेंसिल टूल है जिसका है बी। बाद में कलर रिप्लेसमेंट टूल एंड मिक्स ब्रश टूल, इसके बारे में भी आपको थोड़े टाइम के बाद मैं बताने वाला हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट टूल है इसे हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल एज वेल एज आर्ट ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है वाई। उसके बाद का ऑप्शन है इरेजर टूल, जिसका शॉर्टकट है ई। उसके बाद जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल के का शॉर्टकट है जी। एंड उसके अंदर ही आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि पेंट बकेट टूल, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। उसके बाद जो टूल आपको दिखाई देगा वो है ब्लर टूल, या फिर शार्पन टूल, एज वेल एज मर्ज टूल। उसके बाद जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो है डॉगल टूल, उसका शॉर्टकट है ओ, बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल। उसके बाद जो टूल है उसे कहते हैं हम पेन टूल, उसका शॉर्टकट है पी, और उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो आपको दिखाई देगा वो है नॉर्मल टेक्स्ट टूल, जहाँ पे हम इजीली कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यह है टेक्स्ट टूल। और उसके बाद जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो है पाथ सिलेक्ट टूल और डायरेक्ट सिलेक्ट टूल, जिसका शॉर्टकट है ए। उसके बाद जो आपको टूल दिया हुआ है फोटोशॉप में वो है रेक्टेंगुलर टूल,
जिसका शॉर्टकट है यू, उसमें राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल एज वेल एज इलेप्टिकल रेक्टेंगल इलेप्टिकल टूल एंड पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो है रोटेशन टूल या फिर हैंड टूल, जिसे हम एच से यूज़ करते हैं, या फिर आप स्पेस बार दबा के भी आप इसे मूव कर सकते हो। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेस बार दबा के आप इसे मूव कर सकते हो कैनवस को। उसके बाद है जूम टूल, या फिर आप जेड दबा के इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, सिर्फ माउस को आगे पीछे ड्रैग कर दीजिए, जेड से जूम इन जूम आउट, या फिर कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस के लिए जूम इन और कंट्रोल माइनस के लिए जूम आउट। और अगर आपको इसे स्क्रीन पे फिट करना है तो आप कंट्रोल ज़ीरो दबा दीजिए, वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। वापस मैं बताता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट एंड कंट्रोल ज़ीरो से फिट टू द स्क्रीन। उसके बाद आप जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं फोरग्राउंड एज वेल एज बैकग्राउंड। जो वाइट कलर आपको दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है, और जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वो फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर यानी कि ब्रश का कलर, फोरग्राउंड कलर यानी कि ब्रश का कलर। समझो कि अभी ब्लैक है तो ब्लैक ब्रश हो रहा है, फिर अगर रेड किया तो ब्रश का कलर रेड हो जाएगा, एंड बैकग्राउंड कलर मतलब कैनवास का कलर। उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो मास्क टूल है। मास्क टूल का मैं बाद में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये था सिर्फ टूल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए मैं नया कैनवास ओपन करता हूँ, तो क्रिएट न्यू। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में दिखने वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी मैंने 1920x1080 पिक्सल्स का ही कैनवास लिया है, जिसका रेजुलेशन 300 है और वो RGB कलर्स में है एंड 8 बिट है। अभी मैं आपको इन सारे टूल्स के बारे में पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रॉप टूल एंड सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताता हूँ, और बाद में मैं आपको दूसरे टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको सिलेक्शन टूल्स के बारे में मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट सिलेक्शन टूल है इसे हम कहते हैं मूव टूल। तो मूव टूल क्या होता है समझ लीजिए आप, मैं किसके लिए एक वीडियो लेता हाँ फोटो लेता हूँ। तो फोटो लोड हो रही है, तो फोटो लोड हो गई है। तो फिर अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है, एज वेल एज उसके साइड में लॉक बटन दिख रहा है। तो इससे अगर हमें अनलॉक करना है तो इसे डबल क्लिक कर दीजिए एंड फिर ओके कर दीजिए, जो कि बैकग्राउंड से लेयर ऑप्शन में क्रिएट हो जाएगा, ताकि हम इस लेयर को मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। तो अगर इसे हमें लॉक करना है तो यहाँ पे आप लॉक का बटन देख सकते हो, जब आप इसे क्लिक कर दीजिए तो लॉक हो जाएगा। अभी तो मैं आपको मूव टूल के बारे में बताता हूँ कि मूव टूल है क्या। तो आपको क्या करना है, जस्ट वी क्लिक कर दीजिए तो मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इसे इजीली मूव कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको ये अगर यहाँ पे आपको ट्रांसफर कंट्रोल्स नहीं दिख रहे तो आपको क्या करना है, आप कंट्रोल टी दबा सकते हो, जिससे कि आपको इजीली ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स मिल सके। नहीं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अगर आपके अनचेक है तो आप इसे चेक कर दीजिए, ताकि आपको ये इजीली मूव करने के लिए मिल जाए। तो ये हमने इमेज लिया था, अब इस पे मैं आपको बताऊंगा कि मूव टूल क्या होता है। ये मूव टूल क्या होता है,
तो फिर यही है, बी से हम इसे मूव कर सकते हैं। अगर हमें इसे स्ट्रेच करना है तो 2000, तो मैं 2020 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपको माउस से अगर आपने ड्रैग किया तो ये मूव हो जाएगा। अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में इसे मूव करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए माउस से एंड शिफ्ट दबा के इसे आप ड्रैग कर दीजिए, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल में मूव होगा। अगर आपको वर्टिकल में मूव करना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट दबाइए और ऊपर या नीचे माउस को ड्रैग कर दीजिए। तो इससे आप इजीली कोई भी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और फिर टिक पे क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड पे एंटर दबा दीजिए। तो अभी जो सेकंड सिलेक्शन टूल है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्कर्स टूल। तो इसका शॉर्टकट एम। तो आप इजीली से सिलेक्ट कर सकते हो। तो समझो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और आप अगर आपने इसे मूव किया, ये एक्चुअली रास्टर फॉर्म में है। अगर इसे आपको रास्टर में कन्वर्ट करना है तो आप राइट क्लिक यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप रास्टराइज लेयर पे क्लिक कर दीजिए, तो फिर इससे ये रास्टराइज हो जाएगा। तो इजीली आप इसे मूव कर सकते हो। अगर आपको इसे अनचेक करना है या फिर डीसेलेक्ट करना है तो आप सिंपल इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होगा। अगर आपको इतने पार्ट वाले इमेज को मूव करना है तो वापस से आप एम पे क्लिक कर दीजिए, इतना सिलेक्शन कर दीजिए। इतना सिलेक्शन करने के बाद आप बी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मूव टूल आ जाएगा बी से। उसके बाद आप इसे वापस इस यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक एंड फिर या फिर ई दबाइए, क्लिक कर दीजिए। हाँ, ई दबाइए, वी दबाइए और मूव कर सकते हो। मैं आपको वापस सब समझाता हूँ। पहले तो आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसे रास्टराइज लेयर पे क्लिक करना है। मैंने इसे पहले ही रास्टराइज कर दिया था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट ओके कर दीजिए। बाद में मार्कर्स टूल पे जाइए या फिर एम दबाइए, इतना एरिया को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद उस लेयर को क्लिक कर दीजिए, फिर वी दबाइए। वी से मूव टूल है वी, और फिर आप इसे इजीली मूव कर सकते हो। तो ये था सिलेक्शन टूल, मार्कर सिलेक्शन टूल। इसमें आपको इलेप्टिकल टूल भी दिखाई देंगे, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, इलेप्टिकल मार्कर्स टूल। इससे आप इलेप्टिकल ऑर्डर में सिलेक्ट कर सकते हो। 2020 में सिर्फ अगर आपने ट्रैक किया तो इस तरह से सिलेक्ट होता है। अगर आपको एक ओरिएंटेशन में सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सर्कल में सिलेक्ट होगा। और अगर आपको इसे मूव करना है इतने पार्ट को, तो आप वी पे क्लिक कर दीजिए और इसे मूव कर सकते हो। तो इसे आप मूव करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको और एक बताता हूँ कि जैसे अभी आपने सिलेक्ट किया इसे, आप लेयर पे क्लिक कर दीजिए और फिर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाने के बाद ये इन्वर्स होगा, जो भी आपने सिलेक्शन किया है वो इन्वर्स हो जाएगा। अगर अभी आपने इसे मूव किया तो जो आपने सिलेक्ट किया है वो इन्वर्ट होके दूसरा इमेज मूव कर सकते हैं आप इसे। पहले हम इस इमेज को मूव कर रहे थे, अब हम इन्वर्ट करके इस इमेज को मूव कर रहे हैं। तो कंट्रोल जेड से अंडू एंड कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। तो अब हम सेकेंड थर्ड सिलेक्शन टूल के बारे में जानते हैं, जो है लैसो टूल। लैसो टूल बेसिकली फ्री ड्राइंग टूल है, जिसमें हम फ्रीली ड्रॉ करके उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भी हमने सिलेक्ट किया, लेयर पे क्लिक कर दीजिए, वी दबाइए और इसे हम मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर लैसो टूल से ही फ्री हैंड ड्राइंग से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और डी सिलेक्ट के लिए कंट्रोल डी। तो इतना हमने सिलेक्ट किया, उसे मूव किया। तो जो इसमें ही पॉलीगोनल लैसो टूल है, जिसका शॉर्टकट है एल। तो ये एक पॉलीगोनल शेप्स में सिलेक्शन करता है, जैसे कि आप देख सकते हो।
तो अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, वी क्लिक किया, मूव किया। अगर हमें इसे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड से अंडू किया, और अगर हम इसे डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया। तो यह था लैसो टूल जिसका शॉर्टकट है एल। तो अब हम देखते हैं क्विक सिलेक्ट टूल। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिसे हम कहते हैं क्विक सिलेक्ट टूल W एज वेल एज मैग्नेटिक वॉन्ड टूल। इसमें मैं आपको एक बताना भूल गया कि लैसो टूल में ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन बार में आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जो फर्स्ट है इससे सिर्फ हम नॉर्मल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें इसी में कुछ ऐड करना है, समझो कि हमें इतना पार्ट ऐड करना है, तो अगर हमने इस पे सिलेक्ट करके कुछ ऐड करने का कोशिश किया तो ऐड नहीं होगा, वो वापस से एक नया सिलेक्शन करेगा। तो अगर हमने इतना समझो सिलेक्ट किया और अगर हमें इतना पोर्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेकेंड ऑप्शन पे, तो फिर अगर आपने इतना इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप इजीली लैसो टूल की मदद से इतना सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी आपको इसको डीसिलेक्ट करना है ऊपर वाले पोर्शन को, तो आप क्या करो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन करना है जिसको आपको डीसिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पे जस्ट ये डीसिलेक्ट हो गया। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो मीडियम इतने पोर्शन को ही सिलेक्ट करेगा। अगर आपको इतने पोर्शन को डीसिलेक्ट करना है तो आपको माइनस का साइन दिख रहा होगा, डीसिलेक्ट होगा। तो इसमें शॉर्टकट क्या है, जब आप यहाँ पर होते हो तो हमेशा आप यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करके रखिए इसको, और फिर आपको यहाँ पे प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपने ऑल दबाया तो आपको माइनस साइन दिखाई देगा, ऑल छोड़ा तो प्लस साइन दिखाई देगा। तो ये शॉर्टकट है, तो अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया प्लस साइन में तो ऐड होते जाएगा। तो अभी इतना को हम सिलेक्ट करते ऐड होते गया, इतने चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं ऐड होते गया। अगर आपने ऑल दबाया और फिर कुछ सिलेक्ट किया अगर आपने ऑल दबाया और फिर कुछ सिलेक्ट किया तो फिर उतना पोर्शन डी सिलेक्ट होगा, और अगर आपको पूरा डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी दबा सकते हो। तो अभी हम फोर्थ टूल के तरफ जाते हैं जो है क्विक सिलेक्शन टूल। तो इसमें जो 2019 वर्जन है उसमें क्विक सिलेक्ट टूल है एंड मैजिक वन टूल है। जो 2020 वर्जन है उन्होंने एक टूल ऐड किया जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट टूल। तो पहले हम क्विक सिलेक्ट टूल को बताते हैं आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, लेयर सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको मैं जूम करता हूँ तो आपको कौन सा इमेज ये इमेज दिखाता हूँ, तो आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं लैसो टूल में आपको बताया कि ऑल दबाने से माइनस साइन आता है एंड ऑल छोड़ने से प्लस साइन आता है, वैसे ही ऊपर भी आपको ऑप्शन टूल में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे नॉर्मल प्लस एंड माइनस। तो अगर हमने प्लस पे गया तो इसे हम नॉर्मल पर रखते हैं। तो अगर समझो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया पोर्शन, आपको प्लस प्लस साइंस दिखाई दे रहा होगा। अगर हमें इतना इस पोर्शन को डिसलेक्ट करना है तो जस्ट माइनस ऑल्ट क्लिक कर दीजिए तो आपको माइनस साइन दिखेगा, और फिर इतने पोर्शन को आप इजीली डिसलेक्ट कर सकते हो। तो इजीली आप इतने पोर्शन को डिसलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वापस से इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है तो आप ऑल छोड़ दीजिए और इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल नॉर्मल वाला, और अभी हम देखते हैं मैजिक वन टूल। तो पहले तो हम इसे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करेंगे। एंड मैजिक वन टूल क्या है कि अगर समझो कि एक पर्टिकुलर इमेज पर हमने क्लिक किए और अगर समझो कि उसका कलर वाइट है तो उसी वो वाइट पोर्शन को ही सिलेक्ट करेगा, कंट्रोलों से हम फिट करते वाइट पोर्शन को ही सिलेक्ट करेगा। अगर हमने ब्लू पे क्लिक किया या उस कलर पे क्लिक किया तो वो कलर ही सिलेक्ट करेगा, जैसे कि वाइट पे क्लिक किया वाइट आया, इतना पोर्शन पे क्लिक किया इतना पोर्शन सिलेक्ट हुआ।
अभी इतना पोर्शन पे क्लिक किया तो इतना पोर्शन सिलेक्ट हुआ। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी ऐड सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड किया तो फिर इतना पोर्शन ऐड होते जाएगा, तो फिर ये कम ही इस्तेमाल करते हैं सब लोग। तो जो अब हम नेक्स्ट टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर W। तो इसे हम डिसलेक्ट करते हैं, सब लोग ज़्यादा तो यही टूल यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ आपको जिसे सिलेक्ट करना है उसके अराउंड एक बॉक्स क्रिएट कर दीजिए और फिर थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप सॉफ्टवेयर इसे सिलेक्ट कर देगा। तो फोटोशॉप लोड हो रहा है और फिर देखिए फोटोशॉप ने अपने आप ही इसे सिलेक्ट कर दिया है। अगर इसमें कोई एरर आ रहा है, आपको दिख रहा है जैसे कि अभी यहाँ पे एरर आया है, तो आप क्या कर सकते हो, लैसो टूल पे क्लिक कर दिया, फिर एल क्लिक कर दीजिए, बाद में सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड फिर इतना पोर्शन को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ये देखिए कंट्रोल ओ से फिट टू स्क्रीन, अगर आपको इसको मूव करना है तो वी क्लिक कर दीजिए एंड मूव कर दीजिए। तो ये था सिलेक्शन टूल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉप टूल क्या होता है, स्पॉट हीलिंग टूल कब यूज़ करते हैं एज वेल एज आई टूल कब यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।